बिहार में शराबबंदी के बाद से प्रतिबंधित कफ सिरप की मांग बढ़ गई है। ऐसे में गोरख धंधा करने वाले अब कफ सिरप की तस्करी करने में जुट गए हैं। नवगछिया पुलिस ने आजाद ट्रांसपोर्ट गोदाम से लगभग 800 प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की है। सभी तस्कर वहीं से कफ सिरप को खरीद कर अन्य जगहों पर बेचने के लिए लेकर जाते थे। पुलिस को आते देख एक तस्कर अपनी बाइक छोड़ मौके से फरार हो गया। छापेमारी में पुलिस को गोदाम में प्रतिबंधित कप सिरप की कुल 12 पेटियां बरामद की, जिसमें कुल 800 बोतल मौजूद थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गोदाम मालिक और अन्य लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर गोदाम को सील कर दिया। वहीं पुलिस ने ट्रांसपोर्ट गोदाम के मैनेजर विवेक कुमार को गिरफ्तार किया है। हाँ, हम लोग गुप्त सूचना मिली पुलिस को, नवगछिया पुलिस को, हमारे स्तर तक आया मैटर, तो हमने अपने दल बल के साथ स्थानीय थाना को भी ले लिया। और यहाँ थाना रोड में नवगछिया बाज़ार में एक प्राइवेट गोदाम है बहुत बड़ा सा। यहाँ ट्रांसपोर्ट से माल मंगाया जाता है और इसमें रख करके लोकल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हाँ, हम लोग गुप्त सूचना। भागलपुर से संवाददाता अंजनी जुड़ चुके हैं। अंजनी, बिहार में शराब बंदी है और जिस तरह से शराब को अलग अलग तरीके से छिपाया जाता है, ये भी लगातार खबरें आती हैं, लेकिन इधर सिरप का कारोबार ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। किस तरह से गोरख धंधा करने वाले एक नशे का इस्तेमाल करने के लिए अब सिरप भी बेचना शुरू कर दिए हैं। जी अनिल, हम बताना चाहेंगे, बिहार में नीतीश सरकार के द्वारा 2016 में शराबबंदी कानून लाया गया था, जिसके बाद पूरे बिहार में शराब बंद कर दिया गया, शराब पीना प्रतिबंध हो गया। इसके बाद से बिहार में कई प्रकार के नशा का जो पदार्थ है, नशीले पदार्थ खुलेआम नए नए किस्म के नशे चालू हो गए, जैसे कफ सिरप हो गए, स्मैक हो, गाजा, चरस, ब्राउन शुगर, इस तरह के नशा जो है बिहार में धड़ल्ले से और पैर अपना पसार रहा है। इसको लेकर बिहार प्रशासन पुलिस जो है लगातार इस सभी नशीले पदार्थ की चौकसी बरत रही है, बरामदगी के लिए छापेमारी करती है। इसी के दौरान कल नवगछिया पुलिस के द्वारा कप सिरप की सूचना मिली थी कि एक गोदाम में कप सिरप लाया जाता है, जहां से सप्लाई किया जाता है। इसको सूचना पे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा छापेमारी की गई, जिसके बाद वहां पे छापेमारी के दौरान लगभग 10 से 12 पेटी कार्टून कप सिरप, प्रतिबंधित कप सिरप जो बिहार में बंद है, उसको बरामद किया गया और उस वहां पे गोदाम का जो मैनेजर है उसको भी हिरासत में ले लिया गया है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया अंजनी। देखिए, बिहार में शराबबंदी है, लेकिन अब देखिए एक नया नशे का पदार्थ, ये कफ सिरप की मांग बढ़ गई है। इसको लोग पी रहे हैं और इसको बेच रहे हैं। यह गोरख धंधा, ये जो गोरख धंधा चल रहा है कफ सिरप की तस्करी का, इसी को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है और 800 प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया है गोदाम से।